Good morning, students, and welcome back. Now I'm going to teach you English grammar for class 3. The chapter name is number 5 chapter, Nouns, Gender. So, in last class we have read about noun. Now we will read about noun, gender. So, what do you mean by gender? Gender means ling. Hum jaise bolenge, what is my gender? I am a woman, so woman will be in feminine gender. Have you heard the word feminine? Yes or no? Feminine. There are two genders. Feminine. And another gender name is masculine. Okay. So in class 1 and 2, you have read it as he word and she words. Okay. Here it is the he word. Yes or no? अभी याद आ रहा होगा सी वर्ड्स एंड फेमिनिन होगा सी वर्ड्स यस और नो सो वी कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज फेमिनिन जेंडर एंड व्हाट इज मस्कुलाइन जेंडर सपोज आई एम योर टीचर ओके मैडम तो मैडम विल बी इन विच जेंडर इट विल बी इन फेमिनिन जेंडर सो व्हाट विल बी द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ मैडम क्या बोलते हो टीचर्स को मेरे टीचर को अब क्या बोलते हो सर हो जाएगा सर उसी तरह घर में मदर है कि नहीं आपकी मदर मदर की मस्कुलाइन जेंडर क्या होगा फादर गर्ल उसका क्या होगा बॉय Woman, man, उसी तरह king, queen, auntie, sorry, uncle तो उसमें horse लिखेंगे horse पे क्या होगा feminine gender mare m a r e mare tiger का क्या होगा tigress lion का क्या होगा lioness नेफ्यू का नीस हीरो का हीरोइन एक्टर का एक्ट्रेस हस्बैंड का वाइफ प्रिंस का प्रिंसेस हॉर्स का मेयर काउ का फेमिनिन जेंडर उसका मैस्कुलिन जेंडर होगा बुल ओके सो इसी तरह से हमको एक्सरसाइज 1 करना है गिव फेमिनिन ऑफ द फॉलोइंग टू कंप्लीट द पेयर्स जैसे किंग का क्या होगा फेमिनिन क्वीन उसी तरह कॉक का क्या होगा हैन ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर फादर का मदर टाइगर का टाइग्रेस ब्रदर का सिस्टर नेफ्यू का नीस स्पेलिंग ऑफ नीस इज एन आई ई सी ई हस्बैंड का होगा वाइफ मैन का होगा वुमेन सर का होगा मैडम लायन का होगा लायनेस बुल का होगा काउ सो उस तरह एक्सरसाइज 2 में दिया गया है Complete the sentences given below by filling the opposite gender of the highlighted nouns. Suppose दिया गया होगा masculine gender उसका आपको feminine gender लिखना पड़ेगा feminine gender दिया है तो उसको masculine gender लिखना पड़ेगा okay so example दिया है she is my sister full stop I am her dash sister क्या है feminine gender है उसका क्या होगा masculine gender brother so sentence will be she is my sister full stop I am her ब्रदर ओके उसी तरह आपको एक्सरसाइज 3 भी करना है ओके नीड टू फाइंड आउट द वर्ड इज गिवन देयर यू नीड टू फाइंड आउट वेदर इट इज इन मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर ओके एंड ट्राई टू कंप्लीट इट इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट मी ओके थैंक यू